So hello friends, so our today's topic is Right to Information Amendment Act 2019 and the comparison between the RTI Act 2005 and RTI Amendment Act 2019. तो आज का हमारा जो टॉपिक है सूचना का अधिकार अधिनियम 2019 और यह जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2019 है ये कैसे भिन्न है सूचना का अधिकार 2005 के अधिनियम से. सो जनरल है राइट टू इंफॉर्मेशन. एज यू नो इफ देर इज नो इंफॉर्मेशन देर विल बी करप्शन. एक अमेरिकी बड़े विद्वान राष्ट्रपति रहे उनका एक स्टेटमेंट में डिस्कस करता हूँ. सो अकॉर्डिंग टू एन अमेरिकन प्रेसिडेंट The corruption thrives at secretive places and it avoids the transparent space and the place. यानी जो भ्रष्टाचार है जितना सीक्रेसी रखेंगे हम जितनी गोपनीयता रखेंगे भ्रष्टाचार के कीटाणु और जीवाणु उतना ही पनपेंगे और जितना प्रशासन में पारदर्शिता रखेंगे प्रशासन उतना ही स्वच्छ होगा पारदर्शी होगा. सो इन स्कैंडिनेवियन नेशन देर आर ऑलरेडी देर इज राइट टू इंफॉर्मेशन. नंबर ऑफ डेवलप्ड सोसाइटीज देर आर ऑलरेडी राइट टू इंफॉर्मेशन. सो इन इंडिया ऑल्सो राइट टू इंफॉर्मेशन बिल वॉज ब्रॉट बाय द पार्लियामेंट. तो सूचना का अधिकार अधिनियम हमारी भारत सरकार की हमारी भारत सरकार ने हमारी संसद में पेश किया एंड राइट टू इंफॉर्मेशन बिकेम एन एक्ट सिंस 2005 और 2005 से यानी 2005 से सूचना का अधिकार भारत में लागू हो गया. एंड फ्रॉम 12th अक्टूबर 2005 इट इज़ एप्लीकेबल होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर बट नाउ देर इज़ अ रीऑर्गनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन 2019 सो इट इज़ एप्लीकेबल इन जम्मू एंड कश्मीर. सो 12 अक्टूबर 2005 से सारे देश में सूचना का अधिकार लागू हुआ था. उस समय यह जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुआ था लेकिन अब 2019 में चूंकि जम्मू एंड कश्मीर का पुनर्गठन हुआ है तो ये जो सूचना का अधिकार है अब ये जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गया है. सो राइट टू इंफॉर्मेशन इज अ सिंपल एक्ट विच सेज दैट एन एप्लीकेंट कैन फाइल एन एप्लीकेशन टू द पर्सन डेजिग्नेटेड पर्सन इन द ऑफिस. तो अगर हमको सूचना प्राप्त करनी है तो हम किसी जिस भी कार्यालय में जाएं वहाँ पे सूचना अधिकारी का पता लगाएं और सूचना अधिकारी को हम कुछ फीस जमा कराएं जो प्रायः 10 रुपये होती है और वो फीस जमा करा के एक पर्ची प्राप्त कर लें और जो भी सूचना है लिखित में दें कि हमें इस सूचना की जानकारी है और वो सूचना जो अधिकारी है 30 दिन के अंदर सूचना प्रदान करता है. सो अकॉर्डिंग टू RTI आफ्टर पेइंग ए ड्यू फी वन कैन गेट इन्फॉर्मेशन. तो आज का हमारा टॉपिक चूँकि RTI 2005 नहीं है तो और आगे इस पर नहीं जाएंगे. अब सीधे सीधे हम बात करते हैं कि जो ये जो सूचना का अधिकार है इट हैज़ ब्रॉट ट्रांसपेरेंसी एंड इट हैज़ एंडेड द एरा ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 और इसकी सक्सेस का अनुमान हम इस तरह से लगा सकते हैं कि एवरी डे इन इंडिया अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया एवरी डे देर आर 4,800 RTI applications इन द कंट्री. तो पूरे देश में 4,800 यानी लगभग 5,000 एप्लीकेशन RTI की फाइल हो रही हैं शुरू के 10 दिन. बट हमारे अब जो आंकड़े बता रहे हैं कि इनकी संख्या बढ़ रही है एंड एवरी डे अराउंड 15,000 to 16,000 RTI applications आर फाइल. यानी RTI अधिनियम जब 2005 में लागू हुआ था तो आरंभ में 10 सालों में देखा गया कि साल में अगर हम प्रतिदिन की बात करें तो प्रतिदिन लगभग 4,800 यानी प्रतिदिन लगभग 5,000 आवेदन आए. अब इनकी संख्या 3 गुने से ज़्यादा हो गई है लगभग 15,000 to 16,000 एप्लीकेशन प्रतिदिन RTI की आ रही हैं और लोगों को अपनी सूचनाएँ प्राप्त हो रही हैं जिससे वो प्रशासन के बारे में अपने आप को बेहतर रूप से अभिव्यक्त कर सक रहे हैं. So if the person gets information from the government by the act of the government, we can ourselves express and this is how we can, if we can express ourselves, this is the true democracy. So कुछ basic परिवर्तन किए गए हैं RTI Amendment Act 2019 में. पहले हम देखें कि 2005 में क्या अवस्था थी.
So if we talk, if this is a comparative chart, it shows that what are the amendments. अगर हम टर्म की बात करें तो इन आरटीआई एक्ट 2005 द टर्म ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द इंफॉर्मेशन कमिश्नर विल बी फॉर द 5 years. 2005 के अधिनियम में मुख्य सूचना अधिकारी और सूचना आयुक्तों का जो कार्यकाल था 5 वर्ष था, लेकिन जो नया एक्ट है वो कहता है कि देयर टर्म विल बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट. तो आप देख रहे हैं कि दिस इज नॉट ए पॉजिटिव थिंग. पहले एक्ट में क्लियर था कि इनका कार्यकाल 5 साल होगा जिससे ये निष्पक्ष होकर काम कर सकेंगे, लेकिन अब एक्ट में कहा गया कि नहीं, इनका कार्यकाल केंद्र सरकार निर्धारित करेगा, यानी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार इनको प्रभावित कर सकता है. सो दिस इज एन अटैक ऑन द फेडरलिज्म. देन क्वांटम ऑफ सैलरी. So in 2005 Act says that the salary of CIC, Chief Election Commissioner, Chief Information Commissioner and the Information Commissioners will be equivalent to the salary of Chief Election Commissioner and Election Commissioners respectively. यानी पहले 2005 के अधिनियम में क्लियर था कि जो CIC दैट इज चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है उसकी सैलरी बराबर होगी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के, और इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की सैलरी, इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स यानी सूचना आयुक्तों की सैलरी बराबर होगी इलेक्शन कमिश्नर्स के, यानी जो चुनाव आयोग में जो चुनाव आयोग के सदस्य होते उनके बराबर होगी. बट अब अधिनियम कहता है कि नहीं, देयर सैलरी विल बी डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो अगेन आप देख रहे हैं कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं ना कहीं अपनी मनमानी करते हुए दिख रहा है. और स्टेट्स की अगर बात करें तो अब आप इसको एनालॉगस कर दीजिए. देन डिडक्शन इन द सैलरी. पहले एक्ट कहता था कि इफ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और द इंफॉर्मेशन कमिश्नर इफ दे आर गेटिंग एनी पेंशन और एनी अदर बेनिफिट दैट विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द अमाउंट वट दे आर गेटिंग. जैसे मान लीजिए कि CIC की सैलरी मान लीजिए 1 लाख है, और अगर उसको 40,000 पेंशन मिलती थी तो वो 40,000 पेंशन काट ली जाती थी. मोटी बात कर रहा हूँ. बट नाउ द एक्ट रिमूव्स दिस प्रोविजन. तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट पहलू ये इस एक्ट का नहीं है. इन नटशेल में देखें, सो बाय द अमेंडमेंट ऑफ 2019 द गवर्नमेंट वांट्स टू इंक्रीज इट्स होल्ड एंड ग्रिप ऑन द सिस्टम ऑफ द फ्री फ्लो ऑफ द इंफॉर्मेशन. तो इस एक्ट के माध्यम से सरकार जो सूचनाओं का प्रवाह हो रहा है, सरकार उसको अपने नियंत्रण में करना चाह रही है. Certainly, according to critics, it is an assault on the federalism. ये कहीं ना कहीं हमारे संघीय ढांचे पे एक प्रहार के तौर पे भी देखा जा रहा है. कहीं ना कहीं इससे सेंट्रल गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस करेगा. सो दिस एक्ट इज एज सच नॉट ए वेरी वेलकमिंग एक्ट. हम आम तौर पे कहते हैं इट्स ए वेलकमिंग एक्ट, लेकिन हम इफ वी view this act from the liberty angle, from the free flow of information angle, from the angle that a democracy should be a transparent democracy, उस वे में अगर हम देखें तो ये act welcoming नहीं है. इसमें सरकार अपना ज़्यादा नियंत्रण रखेगी. Somehow we expect that there should be separation of judiciary, executive and legislature. और सरकार का काम है कि वो अपने काम को अच्छी तरीके से करे, ना कि कुछ अगर इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस अगर पार्लियामेंट ने बनाए हैं तो सरकार उन पे जबरदस्ती उनका कॉलर पकड़ने का प्रयास ना करे. सो द वे फॉरवर्ड इज सच एक्ट शुड नॉट वेलकम. रादर गवर्नमेंट शुड प्रमोट द सेपरेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर, एंड गवर्नमेंट शुड रिस्पेक्ट द ऑटोनॉमी ऑफ The government should respect the autonomy of the independent organizations like the Information Commission. Thank you.